नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी। और आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वसंत आया और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कविता को। सबसे पहले मैं आपको इस कविता का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपका ज्यादा ना समय लेते हुए। और इसमें जो आज हम कविता पढ़ने वाले हैं, इस कविता में जो कवि हैं रघुवीर सहाय, उन्होंने ये बताया है कि जो वसंत ऋतु होती है, ठीक है, जो वसंत की ऋतु होती है उसका जो आगमन होता है, कैसे वसंत ऋतु आती है उसके बारे में बताया है। और रघुवीर साय जो हमारे कवि हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो मनुष्य है और जो प्रकृति है उनके बीच का जो रिश्ता था वो अब टूट चुका है। पहले जो है मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ था और उनके बीच का रिश्ता अच्छा था, लेकिन जो आज के समय को देखते हुए यहाँ पर कवि ने बताया है कि मनुष्य का प्रकृति से जो एक रिश्ता होता है वो टूट चुका है। अभी ये जो कविता है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और जो पहला काव्यांश है वो आपके सामने है। जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, जिसको हम कहते हैं अशोक का पेड़, ठीक है, तरु का मतलब पेड़ होता है और अशोक अशोक का पेड़। पर कोई चिड़िया कूकी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। अब ये जो मैंने आपके सामने कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं, इनकी व्याख्या कैसी होगी, आइए मैं आपको बताता हूं कि वसंत के आने के बारे में कवि हैं जो रघुवीर साय जी हैं, वसंत के आने के बारे में कवि कहता है कि सुबह की सैर करते समय, जब कवि सुबह की सैर कर रहे होते हैं कि सुबह की सैर करते समय किसी बंगले में लगे अशोक के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के कूकने की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ पर कवि ने सुबह के समय का बात किया है, ठीक है, सुबह के समय की बात हुई है यहाँ पे। और जो कवि है वो देखते हैं कि सुबह की सैर करते समय किसी बंगले में लगे अशोक के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के कूकने की आवाज आती है, सुंदर आवाज। और कवि कहते हैं ये चिड़िया की आवाज उतनी ही मधुर थी जितनी मधुर एक बहन की आवाज आती है जब वह अपने भाई को दा कहकर पुकारती है। तो कवि बताते हैं जब वो सुबह के समय जा रहे होते हैं सैर पर, तो जो एक चिड़िया के कूकने की आवाज होती है वो आवाज इतनी मधुर आवाज आती है कि कवि को याद आ जाता है कि जब उसकी बहन या कोई भी बहन अपने भाई को दा कहकर, दा का मतलब भाई होता है, जब कोई बहन अपने भाई को दा कहकर पुकारती है तो उस बहन की आवाज भी उतनी ही मधुर लगती है जितनी मधुर आवाज उस चिड़िया की थी। उसके बाद कवि बताते हैं कि जब कवि सुबह के समय सड़क पर चल रहे थे तो क्या हुआ कि लाल बजरी के ऊपर, तो कवि के पैर के नीचे यहाँ पर क्या हुआ कि जब सुबह सुबह का टाइम होता है और कवि जब चल रहे होते हैं फुटपाथ के ऊपर, तो वो लाल बजरी के ऊपर चल रहे होते हैं। बजरी आपने सुना होगा जो बदरपुर होता है, तो जब वो लाल बजरी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और फिर क्या होता है कि अचानक जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ठीक है, जो अशोक का पेड़ मैंने आपको बताया, वहां से जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वहां से बड़े बड़े पीले पीले पत्ते, ठीक है, यहाँ पर लिखा है जैसे पियराए पत्ते, पियराए का मतलब होता है पीले, तो उस पेड़ से जब बड़े बड़े पत्ते आकर कवि के पैर के नीचे आ जाते हैं और जब वो करकरारे से पत्ते जब कवि के पैर के नीचे दबते हैं तो उनमें से चुरमुराने की आवाज आती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं जो पीले हो जाते हैं और जब वो गिरते हैं नीचे, अगर आप उनके ऊपर चढ़ेंगे तो उसमें से चुरमुराहट की आवाज आती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कवि ने अनुभव किया। और फिर कवि क्या बताते हैं कि सुबह 6 बजे की हवा, ठीक है, सुबह की बात चल रही है अभी तक, जब सुबह अपनी सैर पर होते हैं कवि, तो सुबह 6 बजे की जो हवा होती है उसमें इतनी ताजगी है, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो सुबह के समय जो 6 बजे हवा आती है उसमें इतनी ताजगी होती है कि ऐसा लगता है मानो वह हवा अभी अभी गर्म पानी से नहाकर आई हो। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि जो सुबह के समय, वसंत ऋतु के समय जब सुबह होती है तो हवा में इतनी ताजगी होती है कि ऐसा लगता है कि मानो वो हवा भी गर्म पानी से जस्ट अभी अभी नहाकर आई हो। ठीक है, और यह सुबह की ताजा हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई सी आती है और वो हवा फिर होते हुए चली जाती है। तो कवि यही बताते हैं कि हवा जो है सुबह के समय जब वो हवा आती है तो वह फिरकी की तरह, जो फिरकी होती है उसको हम घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमती है, तो वो हवा जो होती है वो उसी फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आती है और वो अचानक से चली जाती है। और फिर कवि लास्ट में बताते हैं कि ऐसे ही फुटपाथ पर चलते चलते मैंने जाना कि वसंत आ गया है। तो ये सब जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, कवि इन सबको बताता है कि इस तरह से मैंने जाना कि कैसे वसंत आया। ठीक है, तो कवि ने अपने अनुभव यहाँ पर बताए हैं सुबह के समय के, और कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक चीजों के बारे में बताते हुए ये बताया है कि कैसे वसंत आया और कैसे कवि ने जाना। अब जो
अगला काव्यांश आपके सामने है, और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल आम बोर आएंगे। तो ये जो काव्यांश अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं वसंत के आने का पता उन्हें कैलेंडर से चल गया था, ठीक है, जो कैलेंडर होता है उससे जो कवि को पता चल गया कि वसंत कब आने वाला है, और जब दफ्तर में उस दिन छुट्टी हुई तो यह प्रमाणित हो गया कि हाँ वसंत आ गया है। अब कैलेंडर में छुट्टी किस चीज की होती है, वहां पर लिखा होता है वसंत पंचमी, आपने देखा होगा अगर कैलेंडर कभी, तो वो कैलेंडर में लिखा होता है वसंत पंचमी। तो जब कवि ने कैलेंडर को देखा और वहां पर उनको लिखा हुआ पाया कि आज के दिन ये छुट्टी है और कैलेंडर में ऐसा लिखा हुआ है, और उस जो कैलेंडर में वसंत पंचमी थी उस दिन कवि के दफ्तर की भी छुट्टी थी, तो इस तरीके से कवि को ये पता चला कि मतलब कैलेंडर को देख के पता चला कि हाँ भाई अब वसंत आ गया है, और वसंत पंचमी का पता उन्हें कैलेंडर से पता चला। और फिर कवि अपने जीवन में कविताएं पढ़ते रहते थे, और उन्होंने कविताओं में यह भी पढ़ा था कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं। अब कवि ये बताता है कि जब वो कविताएं पढ़ते हैं तो उन्होंने अपनी कविताओं में मतलब ये सब पढ़ चुके थे वो, कि जब वसंत आता है कभी भी तो उस टाइम पे जो हमारा एनवायरमेंट होता है या जो पर्यावरण होता है उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। तो बदलाव क्या क्या होते हैं, जो ढाक, यहाँ पर ढाक लिखा है, ढाक के पेड़ होते हैं, और ढाक को हम पलाश भी कहते हैं, जो पलाश के पेड़ होते हैं उस पर जो फूल उगते हैं वो लाल कलर के होते हैं, ठीक है, उसका रंग जो होता है लाल होता है, तो पलाश के पेड़ पर जब वो लाल लाल फूल आते हैं तो इस तरीके से भी पता चल जाता है कि अब वसंत आ चुका है, ठीक है, क्योंकि वसंत के समय में ही पलाश के पेड़ पर लाल लाल फूल आते हैं, और वसंत के मौसम में ही आम और ये जो बोर होते हैं ये सब भी उगने लगते हैं। तो ये जो है यहाँ से कवि ने बताया कि इस तरीके, एक तो कैलेंडर से कवि ने जाना कि वसंत कैसे आया, और नीचे यहाँ पर कवि ने इस प्रकार जाना कि जब वो कविताएं पढ़ता था तो उसने जब वहां पर पढ़ा था कि कवि जब वसंत आता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है पर्यावरण में, इस तरीके से कवि ने जाना कि वसंत कैसे आता है। अब जो अगला काव्यांश है आपके सामने है कि रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे, यही नहीं जाना था कि आज के नए गणने दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। अब जो ये काव्यांश है ये थोड़ी सी आपको यहाँ पर वर्डिंग इसकी हार्ड लगी होगी, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कवि कहते हैं कि वसंत के आने पर ना केवल पृथ्वी के बाग बगीचे, ठीक है, पृथ्वी के बाग बगीचे ये तो सुंदर दिखते ही हैं जब वसंत आता है, इसके साथ साथ कवि बताते हैं कि वसंत के आने पर ना केवल पृथ्वी के बाग बगीचे बल्कि जो इंद्र होते हैं, जो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव के नंदन वन में भी सुगंधित सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि जब वसंत आता है तो केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि जो इंद्रदेव हैं और जो उनका नंदन वन है वहां पर भी सुंदर सुंदर फूल जो होते हैं उगने लगते हैं, खिलने लगते हैं, और वसंत में फूलों का रस पीकर भंवर, जो भौरे होते हैं, भंवर और कोयल, ये दोनों अपना अपना प्रदर्शन और भी सुंदर तरीके से करने लगते हैं। कोयल अपना प्रदर्शन करती है गा के कूक के, और जो भंवर होता है वो भी अपना जो है वो भ्रमण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पता चलता है कि मतलब कवि ने जो बताया है कि वसंत के समय क्या क्या यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, कि वसंत में जो फूलों का रस, जो फूल खिल जाते हैं और फूलों का रस पीकर भंवरे होते हैं और कोयल होते हैं वो फिर अपना अपना जो कार्य होता है वो और सुंदर तरीके से करते हैं। और कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, लास्ट में अब कवि क्या कहते हैं, यहाँ पर हर चीज कवि ने बता दी है जो जो उन्होंने लिखनी थी, अब लास्ट में एक ही बात कहते हैं कवि कि कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वसंत के आने का पता कैलेंडर देखकर और कार्यालय में छुट्टी होने से लगेगा। इसका मतलब क्या है कि कवि बताते हैं आज के समय में, अब इस कविता का निचोड़ क्या बनता है कि कवि ये बताना चाहते हैं आज के समय में जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसने पृथ्वी से अपना नाता, सॉरी प्रकृति से अपना नाता बिल्कुल तोड़ दिया है, और जो पृथ्वी और जो प्रकृति और जो मनुष्य के बीच एक रिश्ता होता है वो बिल्कुल अब टूट चुका है, क्योंकि पहले जो है लोगों को पता होता था कि जब वसंत आता है तो क्या क्या पर्यावरण में बदलाव होता है, ठीक है, क्या क्या उनके आसपास का जो वातावरण होता है कैसे वो बदलता है, ठीक है, क्या क्या जो मतलब फूल उगते हैं, कौन से फूल उगते हैं, लेकिन आज के जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी जो है प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और उनको कैसे पता चलता है वसंत आने के बारे में, कैलेंडर देखकर
या उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई आज दफ्तर की छुट्टी है, ऑफिस की छुट्टी है, तो आज ही बसंत पंचमी होगी। तो यहीं पर कवि ने लास्ट में ये बताया है कि मैंने नहीं जाना था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि जब बसंत के आने का पता भी कैलेंडर देखकर लगेगा या फिर छुट्टी का पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि बसंत आया है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी कविता थी वो खत्म होती है और बहुत आसान कविता है। और अब इसका जो विशेष है, इसके विशेष के बिंदु देख लेते हैं कि इस कविता में कवि ने वसंत आगमन का सजीव वर्णन किया है, ये तो आपने देख लिया। और कवि की भाषा बहुत सरल और भावानुरूप है, ठीक है, बहुत आसान भाषा है। और यह कविता छंद मुक्त कविता है। ये जो मैंने यहाँ पर छंद मुक्त वर्ण लिखा है, इसके बाद जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सेपरेटली मैं बताऊंगा कि ये छंद मुक्त का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों ने पूछा था कमेंट में। तो आपको ये आपकी जो कंफ्यूजन है अगर है तो आपकी ये दूर हो जाएगी। और इसमें कवि ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। और इस कविता में कवि ने मनुष्य और प्रकृति के बीच की बढ़ती दूरियों का वर्णन किया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य और जो प्रकृति है उसका रिश्ता टूट सा गया है, उसके बारे में ये कविता बताती है। और अब लास्ट में मैं आपको इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिलती है। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं कैसे कैसे कवि को पता चलता है कि वसंत आया है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई, ये मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था। ये जो लाइन है आपको, ये कविता अगर आपने अच्छे से देखी है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई, ये जो पंक्ति है इसका भाव स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप इस बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट हो आप लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।